हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विजन क्यू चैनल सो सेशन विल बी वन टॉपिक टॉपिक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन एंड दिस यू कैन से इज द बेस ऑफ द टॉपिक ऑफ एथमेटिक मैथ्स ओके मैथ्स का जितना भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स में आपको चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक जिसका नाम होता है आपका रेशियो सो डी ए होगा आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रेशियो विल डिस्कसिंग द बेसिक टू हाई लेवल कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा और कुछ हाई लेवल कॉन्सेप्ट भी होगा एंड वील कम बैक विद वन अनदर पार्ट होगा आपका नेक्स्ट पार्ट हुए आर विल डिस्कस द क्वेश्चन दिस कॉन्सेप्टो प्लीज डू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो क्लियर ओके एंड इफ यू आर न्यू टू आर चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सस इंपॉर्टेंट विडियो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन सो लेटर स्टार्ट टू दिस वीडियो So this topic name is ratio. Okay. So ratio, we'll discuss different concepts of ratio in today's class. Now if I say what is ratio, okay, let me take one number. Suppose one number is. <coughs> Suppose if I say a by b is equal to two by three, okay, what does it mean? It means that if a is two, <coughs> then b is three, isn't it? If a is four, then b will be different.

सपोज <coughs> आपके पास एक रेशियो है टेन इज टू फिफ्टीन ना ये रेशियो शुड ऑलवेज बी इन दिम्पलेस फॉर्म ओकेर फाइव इज कॉमन इन दिस टू टर्म्स तो आपको हमेशा कैंसिल करना होगा विथ द कॉमन नंबर विच इज फाइव हिस्सर तो इफ आई कैंसिल बाय फाइव ओके फाइव टू जर टेन फाइव थ्री जर फिफ्टीन तो रेशियो बी कम सो मच टू इज टू थ्री तो रेशियो शुड ऑलवेज बी रिटर्न इन द सिम्प्लेस this is the basic concept of ratio okay ratio ko in the simplest form okay now see suppose it is asked to find the ratio between 5 kg <coughs> and 10 meter now is it possible to find a ratio the answer will be no okay it is not possible to find a ratio between 5 kg and 10 meter because 5 kg is the unit of mass and meter is the unit of distance or

रेशियो को हमेशा आपको कन्वर्ट करना होगा फ्रॉम फ्रैक्शन टू इंटेजर सो टू कन्वर्ट टू इंटेजर वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ओके डिनोमिनेटर्स क्या क्या है टू थ्री एंड फाइव आर डिनोमिनेटर्स इन दिस फ्रैक्शन सो डिनोमिनेटर्स का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम ओके एलसीएम ऑफ टू थ्री एंड फाइव कितना हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू फाइव थर्टी नेक्स्ट स्टेप व्हाट टू डू मल्टीप्लाई ऑल दिस फ्रैक्शंस विद द एलसीएम व्हिच इज थर्टी टू हाफ इंटू थर्टी टू बाई थ्री इंटू थर्टी एंड फोर बाई फाइव इंटू थर्टी सभी नंबर को थर्टी से मल्टीप्लाई करने का मेन एम है टू फिफ्टीन जै थर्टी थ्री टेन 2, थर्टी एंड फाइव सिक्स थर्टी एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज आई विल गेट व्हाट फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी इज टू ट्वेंटी

तो फर्स्ट टू टर्म्स क्या किया था वन बाई टू एंड टू बाई थ्री ओके तो अगर आपके रेशियो के पास दो ही टर्म है terms, okay? three three two two कितना हो जाएगा आपका फोर तो फर्स्ट दो टर्म्स का रेशियो कितना मिलेगा आपको थ्री इज टू फोर अगर आप यहां पर चेक करते हो कि इसका रेशियो थ्री टू फोर आता है कि नहीं ओके फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी इफ आई कैंसिल बाई फाइव फाइव थ्री फिफ्टीन एंड फाइव फोर ट्वेंटी तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास थ्री इज टू फोर एंड इफ इट इज हू फाइंड आउटियो ऑफ द लास्ट टू टर्म्स अगर आपको लास्ट टू टर्म्स का रेशियो निकालना है तो लास्ट टू टर्म्स क्या क्या है टू बाई थ्री एंड फोर बाय फाइव सो टू बाई थ्री इज टू फोर बाई फाइव टू कन्वर्ट द रेशियो फ्रॉम फ्रैक्शन टू इंटेज आर ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई टू इंटू फाइव इज टेन फोर इंटू थ्री इज

So of ratio is this C. आपके पास है दो रेशियोज वन रेशियो इज एस टू बी सपोज इट इज टूज नेक्स्ट बी इज टू सी थ्री मिक्स दिज टू रेशियोज अगर मैंने दोनों को मिक्स कर लिया तो किसका रेशियो मिल जाएगा आपको एज टू बीज टू सी ओके इस रेशियो का नाम होता है आपका मिक्स रेशियो okay? इसका नाम क्या होता है मिक्स रेशियो या फिर ज्वाइंट रेशियो तो आउट दिस मिक्स रेशियो रेशियोट रेशियो ऑफ ए टू बी एंड बी टू सी ओके हाउ टू फाइंड रेशियो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉमन पार्ट ओके कॉमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर तो पहले हमेशा आपको देखना है कि कॉमन क्या है दोनों में कॉमन नंबर तो इफ आई इफ आई सी हि एस टू बी एन बेस टू सी द कॉमन इज बी 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 यहां भी है, है ना कॉमन इज बी एंड कॉमन शुड बी सेम इन बोथ दिस रेशियोस तो इन द फर्स्ट रेशियो बी इज थ्री इन द सेकंड रेशियो इज़ ऑल्सो थ्री इसका मतलब क्या होगा ए विल बी टू बी विल बी थ्री एंड सी विल बी फाइव तो ए इज टू बीज टू सी का रेशियो कितना आएगा टू इज टू थ्री इज टू फाइव बिकॉज कॉमन को हमेशा आपको सेम करना होता है एंड कॉमन ऑलरेडी यहां पर सेम था ओके यू डीड नॉट नेक टू मेक द कॉमन सेम हियर तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर वन इन कॉन्सेप्ट नंबर टू ओके लेट मी सी वन एग्जाम्पल अगर यहां पे कॉमन सेम नहीं होगा द टू इज टू थ्री ओके बी इज टू सी है आपके पास सपोज फोर इज टू फाइव नो आई कैन सी क्लियरली हियर दैट कॉमन इज नॉट सेम ओके बी यहां पर थ्री है लेकिन बी यहां पर कितना है सिर्फ फोर है मेन एम इज टू मेक द कॉमन सेम हमेशा हम कॉमन को सेम करना है ओके ऑलवेज यू नीड टू मेक द कॉमन पार्ट सेम नाउ हाउ टू मेक दिस टू नंबर सेम थ्री एंड फोर ओके टू मेक टू नंबर सेम ऑलवेज फाइंड द एलसीएम ओके थ्री और फोर का एलसीएम कितना हो जाएगा ट्वेल्व होगा थ्री इन टू फोर इज ट्वेल्व नाउ टू मेक दिस थ्री ट्वेल्व आपको फोर से मल्टीप्लाई करना होगा एंड टू मेक दिस फोर ट्वेल्व आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो जहां पे थ्री है उस रेशियो को फोर से मल्टीप्लाई करना होगा और जहां पे फोर है उस रेशियो को आपको मल्टीप्लाई करना होगा विथ थ्री इन ऑर्डर टू मेक द कॉमन सेम तो यहां से आपको मिल जाएगा किसका रेशियो एज टू बीज टू सी तो ए विल बी हाउ मच ओके ए पहले टू था अभी टू को फोर से मल्टीप्लाई किया सो टू इंटू फोर कितना हो गया एट हो गया बी इज थ्री इंटू फोर या फोर इंटू थ्री ट्वेल्व होगा एंड सी पहले फाइव था लेकिन फाइव को मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया ना तो फाइव इन टू इज़ फिफ्टीन तो ये रेशियो किसका हो गया एज टू बे विच इज एजिक मैथडू है आपका okay? में हम लोगों ने ऐसे किया था कॉमन को सेम करके टू फाइंड आउटियो ऑफ एज टू बेस टू सी नाउ दिस मिक्स रेशियो कैन बी फाउंड आउट इन टू मोर डिफरेंट इज टू मोर मैथड्स टू फाइंड आउट दिस मिक्स रेशियो ऑफ एज टू बेस टू सी सी हाउ टू फाइंड आउट इन द सेकंड मेथड तो इन दिस सेकंड टू डू यू आर गि आपको एक और रेशियो दिया था C, कितना so so हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ओके फर्स्ट ऑलवेज मल्टीप्लाई लाइक दिस टॉप टू बॉटम सो टू इंटू फोर इज एट अगेन बैक टू टॉप ऐसे फोर इंटू थ्री होगी आपका ट्वेल्व ओके okay? एगेन बैक टू बॉटम सो थ्री इन टू फाइव कितना हो जाएगा आपका फिफ्टीन ओके फर्स्ट मल्टीप्लाई टॉप टू बॉटम अगेन बैक टू टॉप अगेन बैक टू बॉटम तो इसका रेशियो कितना so, इसको, इसको के लिए वन मोर टेक्निक टू फाइंड आउट द सेम आंसर जैसे आपके पास दिया था एज टू बी टू इज टू थ्री बी इज टू सी दिया था कितना

ये होगा आपका बी ये होगा आपका सी ना यहां पे थ्री है तो और यहां पे खाली है ना दिस स्पेस इज एम और ये भी एम स्पेस है अगर यहां पे थ्री है तो इसका राइट साइड में भी थ्री आ जाएगा तो थ्री को यहां पे लिख दीजिए ठीक है एंड हेयर डेयर इज फोर एंड एम टी इज ऑन लेफ्ट सो सिंस फोर इज डेयर तो यहां पे कितना आ जाएगा फोर ही आ जाएगा तो यहां पे थ्री होने से यहां पे थ्री आ जाएगा यहां पे फोर होने से यहां पे फोर आ जाएगा बस जो नंबर है वो नंबर यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई वर्टिकली ओके टू इंटू फोर एट थ्री इंटू फोर ट्वेल्व एंड थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन तो ये रेशियो होगा आपके पास ए इज टू बीज टू सी विच इज एट इज टू ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन सो ये था आपका मिक्स रेशियो निकालने के तरीका हाउ टू फाइंड एज टू बीज टू सी यू कैन अप्लाई एनी ऑफ दिस थ्री मेथड बेसिक मैथड एंड देन दिस टू शॉर्टकट टेक्निक्स टू फाइन द आंसर इजिली Now, ये तो था हाउ टू फाइन एज टू बीज टू सी नाउ इफ इट आक्स टू फाइन ओनली एज टू सी देन हाउ टू फाइन सपोज इट इज टू फाइन ओनली ए एंड सी ओके यू डोट वॉन्ट बी आपको बी नही चाहिए आपको चाहिए ओनली एज टू सी देन हाउ टू फाइंड आउट ओके सी एज टू सी निकालने के लिए अच्छा ए है आपका फर्स्ट प्लेस में ठीक है सी सबसे लास्ट में है ओके okay, तो जब भी, भी आपको निकालने लिया होता है फर्स्ट इज टू लास्ट जैसे यहां पे आपको निकालने क्या दिया था एज टू सी मतलब आपको निकालना किया अल्टीमेटली फर्स्ट इज टू लास्ट तो इट इज इज टू टू फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट विद फर्स्ट इज टू मल्टीप्लाई लास्ट विध लास्ट इफ आई मल्टीप्लाई फर्स्ट विद फर्स्ट ओके टू इन फोर कितना होगा एट इज टू एंड मल्टीप्लाई लास्ट विद लास्ट सो थ्री इन फाइव कितना आएगा आपका फिफ्टीन तो ये होगा आपका रेशियो ऑफ एज टू सी विच इज एट इज टू फिफ्टीन ओके तो ये टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना होता है जब भी आपको निकालने दिया होगा फर्स्ट इज टू लास्ट फर्स्ट विद फर्स्ट एंड लास्ट लास्ट तो आपको मिलेगा टू इंटू फोर इज एट थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन तो येगा एस टू सी सो नेक्स्ट ये तो था आपका कॉन्सेप्ट नंबर टू इन कॉन्सेप्ट नंबर टू वॉट है मिक्स रेशियो एज टू बीज टू सी एंड फ्रॉम दैट हाउ टू फाइंड आउट ओनली एज टू सी ओके फर्स्ट विट फर्स्ट एंड लास्ट विथ लास्ट

तो इफ आई मिक्स ऑल दिस इफ आई मिक्स दिस रेशियो किसका रेशियो आपको मिल जाएगा एस टू बीज टूज टू डी तो इसका भी नाम होता है आपका मिक्स रेशियो रेशियो और ओके okay, इसको आपको निकालना है सो इन हाउ इन वेज आई कैन फाइंड आउट दिस रेशियो ऑफ ओके ये है आपका नंबर वन नाउ जस्ट लाइक द प्रीवियस मेथड विच ऑफ डिस्कस इन सेकंड कॉन्सेप्ट इसको भी आप सेम वैसे कर सकते हो ठीक है आपको निकालना क्या था एस टू बीज टू से निकालना था टू फाइन to टू is टू सी इज टू डी तो राइट डाउन द Okay, ओके is टू b आपको दिया था राइट डाउन is टू b कितना दिया था टू इज टू थ्री देन बीज टू सी दिया था फोर इज टू फाइव ना तो राइट डाउन बिलो दिस is टू सी कितना था फोर इज टू फाइव और स्टूडेंट्स इसको भी नीचे लिखना होगा सी इज टू डी जिसका वैल्यू कितना दिया था आपके पास सिक्स इज टू सेवन तो इसको भी नीचे लिखना है सी इज टू डी कितना दिया था सिक्स इज टू सेवन Now I have to multiply. Okay, our next aim is what to multiply vertically. Now these all are empty spaces. ये भी empty है, ये भी empty है, और यहाँ पे भी empty है, ये भी empty है. And these two are also empty. अच्छा यहाँ पे three है, और ये दोनों खाली है. So this will be filled by three only. यहाँ भी three आएगा, यहाँ भी three आ जाएगा. Okay? Five यहाँ पे है, और ये जगह खाली है. So this will be occupied by five. And this will be occupied by four. यहां पे सिक्स तो यहां पर सिक्स होगा और यहां पे क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा तो नाउ और एम इज टू मल्टीप्लाई ओके ए का वैल्यू कितना होगा टू इंटू फोर इंटू सिक्स कितना आपका वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई फर्टिकली थ्री इंटू फोर इंटू सिक्स होगा आपका सेवनटी टू ठीक है टू फाइंड सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको थ्री इंटू फाइव इंटू सिक्स विच इज नाइनटी एंड टू फाइंड आउट डी मल्टीप्लाई थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन जो जिसका वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा वन जीरो नाउ इनो रेशियो हमेशा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में इजन डेट तो यहाँ पे यू कैन सेन सी हेयर थ्री कॉमन टोई कैंसल बाई थ्री हेयर थ्री सिक्सटीन जैर फोर्टी एट थ्री टू हजार सिक्स थ्री फोर हजार ट्वेल्व थ्री थर्टी जै नाइनटी एंड थ्री थ्री जर नाइन थ्री फाइव जर फिफ्टीन तो इसका रेशियो कितना हो मिलेगा आपको सिक्सटी इज टू ट्वेंटी फोर इज टू थर्टी इज टू थर्टी फाइव तो ये थाज टू डी नाउ एंबर वन फ्रॉम दिसन समटाइम्स इट इज टू फाइंड आउट सेकेंडली एज टू सी ओके यू डोंट वन बी एंड डी नाउ यू ओनली वन वॉट एज टू सी मतलब यू ओनली वन ए एंड सी देन हाउ टू फाइंड ओके सी इज टू बी दिया था टू इज टू थ्री ओके बी इज टू सी कितना दिया था आपके पास फोर इज टू फाइव दिया था एंड सी इज टू डी दिया था आपके पास सिक्स इज टू सेवन ओके टू फाइन एज टू सी अगर आपको निकालना है ए इजू सी अच्छा ए फर्स्ट प्लेस में मिल गया ए इज इन द फर्स्ट प्लेस C इज इन टू रेशियो सी यहां भी है C यहां भी C यहां भी, भी है ना लेकिन आपको देखना है कि लास्ट में कहां पे है ओके इज इन द सेकेंड रेशियो बिकॉज़ इन द लास्ट रेशियो सी इज इन द फर्स्ट प्लेस तो हमेशा आपको फोकस करना होता है ऑलवेज फोकस ऑन वट फर्स्ट एंड लास्ट तो ए फर्स्ट में है और सी यहाँ पे लास्ट में है अच्छा फर्स्ट और लास्ट के बीच में कोई रेशियो नहीं है ना फर्स्ट और लास्ट के बीच में कोई भी रेशियो नहीं है सो दिस रेशियो इज आउटसाइड ऑफ दिस टू रेशियोज सो नेग्लेक्ट दिस रेशियो मतलब ए इज टू सी निकालने के लिए टू फाइंड द रेशियो ऑफ एज टू सी फर्स्ट इज टू लास्ट ओके आई डोन्ट है लास्ट रेशियो

नाउ सपोज आपको निकालना है बी इज टू डी ओके सपोज आपको निकालना है क्या बी इज टू डी देन हाउ टू फाइंड बी इज टू डी निकालना है यू c, यू वन ओनली बी एन डी ओके व्हाट ऑज गिवन ए इज टू बी था टू इज टू थ्री बी इज टू सी था फोर इज टू फाइव ओके एन सी इज टू डी कितना था सिक्स इज टू सेवन तो आपको निकालना है ए बी इज टू डी ओके हमेशा आपको फोकस करना है हमेशा किसके ऊपर फर्स्ट एंड लास्ट के ऊपर ओके बी यहां भी है बी यहां भी है ना लेकिन बी फर्स्ट प्लेस में है सेकेंड रेशियो में ओके बी इज इन द फर्स्ट प्लेस इन द सेकेंड रेशियो ओनली तो ये आपको मिल गया फर्स्ट और ये डी आपको मिल गया लास्ट में इज इट तो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में कोई रेशियो नहीं है ओके दिस रेशियो इज आउटसाइड ऑफ दिस टू रेशियोज सो नेग्लेक्ट द फर्स्ट रेशियो ओके रेशियोके वैल्यू ऑफ बी इज टू डी we don't take the first ratio and multiply first with first and last with last. The so four into six is twenty-four, and five into seven will be how much? Thirty-five. So, ये मिल गया आपको B to D का value. एक बहुत ही simple सा तरीका है, ठीक है? एक बहुत ही simple technique है. जो भी ratios निकाल, जिसका भी आपको निकालना है first and last, take that two ratios only and neglect the first ratio. Okay? To find the ratio B to हमेशा आपको फोकस करना है किसके ऊपर फर्स्ट एंड लास्ट के ऊपर और फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में कोई रेशियो नहीं था तो मल्टीप्लाई किया मैंने फर्स्ट विथ फर्स्ट लास्ट विथ लास्ट नाउ सपोज इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट ओनली एज टू डी ओके सी फ्रॉम एज टू बी बीज टू सी एंड सीज टू डी फ्रॉम दिस थ्री रेशियोज क्वेश्चन में क्या क्या आपको निकालने दिया सक, दिया हो सकता है आईड इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट ए इज टू बीज टू सी टू डी या फिर एज टू सी और बीज टू डी और एज टू डी द लास्ट केस इज हाउ टू फाइंड मिक्स हाउ टू फाइंड रेशियो ऑफ एज टू डी तो एज टू बी था टू इज टू थ्री बी इज टू सी था आपके पास फोर इज टू फाइव ओके एंड सी इज टू डी क्वेश्चन में दिया था कितना सिक्स इज टू सेवन नाउ ए सबसे फर्स्ट में है और डी सबसे लास्ट में है इज इट सबसे फर्स्ट में है और डी सबसे लास्ट में है ना फर्स्ट और लास्ट के बीच में एक रेशियो भी है ना इट फर्स्ट और लास्ट के बीच में एक, एक और रेशियो यहां पे है तो व्हेन व्हेन विल विल मूव फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट बीच में ये भी तो रेशियो आपको मिल जाएगा तो इसको भी आपको साथ में लेना पड़ेगा मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई फर्स्ट विथ फर्स्ट एंड फर्स लास्ट विथ लास्ट इन फाइंडिंग एज टू सी एंड बीज टू डी बीच में कोई रेशियो नहीं था ठीक है बीच में कोई भी रेशियो नहीं था रेशियो बाहर था नाउ इन फाइंडिंग एज टू डी बीच में एक रेशियो आपको मिलेगा जिसका वैल्यू कितना है फोर इज टू फाइव सो इन फाइंडिंग आउट फर्स्ट इज टू लास्ट हियर दैट मींस अगर आप यहां पे आपको निकालना है D, तो फर्स्ट फर्स्ट को first से मल्टीप्लाई करना होगा और लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है मतलब तीनों रेशियोज को आपको एक एक्सर लेना पड़ेगा ठीक है सो टू इंटू फोर इंटू सिक्स फर्स्ट विथ फर्स्ट मल्टीप्लाई किया इज टू लास्ट विथ लास्ट तो कितना मिलेगा आपके पास थ्री इंटू फाइव इंटू

नेक्स्ट ओनली बीज टू डी एंड लास्टली ओनली एस टू टी ये था आपके पास कॉन्सेप्ट नंबर थ्री चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं नंबर फोर सपोज इट इज गिवन लाइक दिस इक्वल टू ट्राइस बी इज इक्वल टू फाइव सी ओके यहां से आपको किसका रेशियो निकालने दिया है ए इज टू बीज टू सी ओके हाउ टू फाइंड आउट दिस रेशियो ऑफ ए बी एंड सी और एज टू बीज टू सी उ इन सच क्वेश्चन मुझे लेने से इजी होगा निकालना जो नंबर टू से भी डिविजिबल है थ्री से भी डिविजिबल है और फाइव से भी डिविजिबल है आप इसको कोई भी नंबर ले सकते हो अपने हिसाब से ठीक है लेकिन एक ऐसा नंबर लेने से इजी होगा निकालना

अगर ट्वाइसे का वैल्यू थर्टी है तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 30 by 2, तो कितना वैल्यू थर्टी है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा थर्टी बाई फाइव विच इज सिक्स तो एस टू बी टू सी का रेशियो कितना मिला आपको फिफ्टीन इज टू टेन इज टू सिक्स

नंबर्स का मतलब क्या होगा बी के साथ थ्री है और सी के साथ फाइव है ना सो so, अदर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है थ्री इंटू फाइव ओके थ्री इंटू फाइव कितना डोंट टेक बी बी को नहीं लेना होगा तो किसको लेना पड़ेगा बाकी नंबर्स को ओके टू इन फाइव कितना मिलेगा आपको टेन्थ एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी रिपीट द सेम प्रोसीजर ओके डोंट टेक सी

सो फिफ्थ कॉन्सेप्ट ये होता है सपोज आपके पास है थ्री नंबर तीन नंबर आपको रेशियो दिया है ए इज टू बी इज टू सी इट इज हम सपोज वन इज टू टू इज टू थ्री तीन नंबर का रेशियो दिया है मतलब क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज सिक्स इट इज एक्स टू फाइंड वाट द नंबर ए का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू कितना है और सी का वैल्यू कितना है सो नॉर्मली इन सच क्वेश्चन व्हाट वी डू अगर ए वन है देन बी टू है और सी थ्री है तो विद वट डू इफ आई यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे हम लोगों ने पहले स्कूल लेवल में किया था इज इन डेट टू व्हाट वी डू वी टेक एक्स तो लेट द वैल्यू ऑफ ए इज वन एक्स और एक्स बी होगा आपका ट्वाइस एक्स एंड सी हो जाएगा आपका थ्राइस एक्स एंड पुट दिस वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द गिवन कंडीशन ओके तो एस रेशियो का क्वेश्चंस में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है आपका गिवन कंडीशन

so once you find out x you can find out the values of a b c to a value kitna 11 b 2 into 11 22 isn't it Or c ka 3 into 11 which is 33 so these are the values of a p and c now this question can also be done using the second method without using x okay without using x you can solve such questions of ratio mentality also

वन रिप्रेजेंट इलेवन ए का वैल्यू मिल गया टू होगा आपका बी का वैल्यू टू विप्रेजेंट हाउ मच टू इंटू इलेवन ट्वेंटी टू एंड सी कितना हो जाएगा थ्री थ्री रिप्रेजेंट थ्री इंटू इलेवन विच इज थर्टी थ्री ओके सो दिस वैल्यूज ऑफ ए इज इलेवन बीज ट्वेंटी टू एंड सी इज थर्टी थ्री सच क्वेश्चन कैन बी डन विदाउट यूजिंग एक्स टेकिंग जस्ट ए एस वन बी एस टू

अगर क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हो सकता है सपोज ए माइनस बी प्लस सी ओके अगर आपको दिया है सपोज ए माइनस बी प्लस सी सिक्सटी सिक्स तो आपको ए माइनस बी प्लस सी ही निकालना पड़ेगा रेशियो में ओके सो वन माइनस टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा आपका टू होगा वन माइनस टू प्लस थ्री इज टू सो टू रेशियो विल रिप्रेजेंट सिक्सटी सिक्स फ्रॉम दियर यू कैन फाइंड आउट वन एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एन सी तो ऐसा क्वेश्चंस करने ऐसा क्वेश्चंस करने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस विद यू आई यू कैन यूज एक्स ये हो जाएगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और यू कैन सॉल्व लाइक दिस विदाउट यूजिंग एक्स मेंटली ओके तो ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर फाइव ओके नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट सी द कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स क्या होता है देखिए यहां पे आपको x को यूज करना होगा ओके इन सच क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ओनली आपको x को ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है सपोज लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर तीन नंबर्स ए बी सी आपके पास था इसका रेशियो दिया था आपके पास सपोज वन इज टू टू इज टू थ्री ओके देन गिवेन कंडीशन इज नॉट देयर सम और डिफरेंस आपको माइनस या प्लस दिया नहीं है आपको इंटू दिया है दे प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा ए इंटू बी इंटू

ए इंटू बी इंटू सी जिसका वैल्यू कितना दिया था आपको फोर्टी एट सो टू इंटू थ्री सिक्स एंड एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बी हार्मे तो सिक्स एक्स क्यूब इज फोर्टी एट तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा आपका एट हो जाएगा अच्छा एक्स क्यूब इज एट एक्स इज नॉट एट ओके वैल्यू कितना हो जाएगा टू बिकॉज टू क्यूब इज एट

अगर आपको क्वेश्चन में ए इंटू बी दिया होता तब क्या मिलता एक्स इंटू एक्स होने से क्या मिलता है एक्स स्क्टर टू वे पावर पावर था वन एक्स का पावर वन था ना लेकिन वन से थ्री हो गया या फिर एक्स का पावर वन था पहले लेकिन वन से टू हो जाएगा तो इन सच क्वेश्चन ऑलवेज यू टू यूज एक्स ओनली कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है ओके okay? बिना एक्स लेके सॉल्व सॉल्व नहीं कर सकते हो ऐसा क्वेश्चंस को तो हमेशा आपको एक्स को यहां पे यूज करना होगा

बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए सपोज इट इज थ्री इज टू फोर इज टू फाइव ओके यहां से आपको निकालना निक, निकालने के लिए बोला है वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी कितना हो जाएगा नाउ सभी भी आपको दिया होगा ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए हमेशा आपको तीनों को प्लस करना है ओके ए प्लस बी यहाँ पे थ्री है बी प्लस सी यहां पर कितना है फोर है और सी प्लस है यहाँ पे कितना है फाइव है, और C plus है रेशियो में ओके, okay, एग्जैक्ट नहीं है रेशियो में है ये तो जब भी आपको दिया होगा ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी हमेशा तीनों को प्लस करना है, always. So this, क्या मिलेगा आपको? Common, तो इफ आई टेक टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी विच बी हाउ मच सो थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इज ट्वेल्व टू इन टू ए प्लस बी प्लस अगर ट्वेल्व है तो यहां से किसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी शिली हार्मेसर ट्वेल्व ए प्लस बी प्लस द ऑफ ए बी एंड सी अच्छा ए प्लस बी प्लस सी सिक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पुट बी प्लस सी वैल्यू अच्छा बी प्लस सी फोर था ना ओके पुट फोर हियर इन प्लेस ऑफ बी प्लस सी ए प्लस फोर इज सिक्स तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सिक्स माइनस फोर विच इज टू तो ए इज टू नेक्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ओके ए प्लस बी प्लस सी था सिक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा पुट प्लस सी वैल्यू इज इट पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी तो ए प्लस सी था फाइव तो पुट फाइव इक्वल टू सिक्स तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव विच इज वन

Tree. तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है ओके? Okay? B, B C C गिवन आपको प्लस निकालना किसका होता है? A plus B plus C का फेलो. और वहां से फॉर मेंस लेवल क्वेश्चन होगा आपका कॉन्सेप्ट नंबर एट ओके अगेन इंपॉर्टेंट फॉर सम मेंस लेवल क्वेश्चन फॉर सम हाई लेवल क्वेश्चन सपोज आपको दिया है वैल्यू ऑफ ए इज टू बी प्लस सी सपोज इट इज लेटमी टेक सपोज इट इज टू इज टू थ्री ओके नेक्स्ट रेशियो आपको दिया है सपोज बी इज टू सी प्लस एके इट इज सपोज गिवेन टू बी फोर इज टू फाइव और यहां से आपका आपको निकालना किसका वैल्यू ए बी एन सी और एम इज टू फाइनल रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी ये आपको निकालना है ना so भी, भी आपको दिया होगा ए इज टू बी प्लस सी बी इज टू सी प्लस ए सी यहां पे आप ये बोल नहीं सकते नॉट से फ्रॉम हियर दैट ए इज टू या फिर बी प्लस सी इज थ्री या बी है फोर आपका या सी प्लस ए फाइव इट इज नॉट पॉसिबल टू से लाइक दिस वाई बिकॉज कॉमन शुड बी सेम ना जो भी कॉमन है उसको सेम है कॉमन शुड बी सेम इन बोथ द देश अच्छा इन दो रेशियो में कॉमन क्या है सी whenever you are given such ratios रेशियोज ओके ए इज टू बी प्लस सी बी इज टू सी प्लस ए या फिर अगर आपको दिया होता है सी इज टू ए प्लस बी ओके कॉमन हमेशा क्या होता है सी दोनों को प्लस कर दीजिए ओके एट दिस टू टर्म्स इफ यू एट दिस एंड दिस क्या मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस सी ओके इफ यू अगेन एट द सेकेंड रेशियो अगर आप एड करोगे लास्ट दो टर्म्स को इफ यू एट दिस बी प्लस सी प्लस ए इट इज नथिंग बट

ओके इफ आई दिस टू टर्म किसका वैल्यू आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिलेगा टू प्लस थ्री यहां पर कितना आ जाएगा आपका फाइव आएगा ओके और यहां पे फोर प्लस फाइव कितना आ जाएगा नाइन आएगा नाउ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फर्स्ट रेशियो में कितना मिला फाइव मिला लेकिन नेक्स्ट में कितना मिल गया नाइन मिल गया ना नाउ ए प्लस बी प्लस सी इज द कॉमन कॉमन शुड बी ऑलवेज सेम ना टू मेक टू नंबर सेम I already discussed in the first concept that always find LCM. So LCM of 5 and 9 is 45. Okay. To make this 545, इसको 9 से multiply करना होगा. अगर आपने 5 को 9 से multiply किया ना, तो इस ratio को भी आपको 9 से multiply करना होगा. Because this 5 is a part of this ratio only. Okay. So if you multiplied this 5 by 9, <coughs> तो आपको ratio को भी 9 से multiply करना होगा. एंड सेकेंड नंबर नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई करना है अगर आपने नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई किया ना तो इस रेशियो को भी आपको फाइव से ही मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज दिस नाइन इज ए पार्ट ऑफ दिस रेशियो दिसन तो इफ यू तो इस रेशियो को भी आपको सेंज करना पड़ेगा ठीक है तो यहां से किसका वैल्यू आपको मिल जाएगा ए इज टू बी प्लस सी ठीक है तो यहां से किसका वैल्यू आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज टू बी प्लस सी ओके कितना हो जाएगा सेंज हो गया यू कैन सी हियर ए इज टू बी प्लस सी का वैल्यू टू इज टू थ्री को नाइन से मल्टीप्लाई किया ना मैंने सो टू इंटू नाइन इज एटीन थ्री ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट बी इज टू सी प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी फोर इंटू फाइव हो गया ट्वेंटी एंड फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव तो यहां से आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी अच्छा यहां से का वैल्यू मिलेगा ए का वैल्यू कितना हो गया एट्टीन मिल जाएगा यहां से

तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी या फिर आप सी प्लस ए भी यूज कर सकते हो ओके प्लस इज ट्वेंटी उसमें से ऑलरेडी फाउंड आउट एट्टीन था तो इफ यू पुट एटीन वैल्यू एटीन इन प्लेस ऑफ ए हियर तो सी का वैल्यू तब तो भी कितना आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस तो सी का वैल्यू तब तो भी कितना आ जाएगा आपका

हुएल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस रेशियो फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन मतलब हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इन द क्वेश्चन बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन को इसको कैसे अप्लाई करना होगा तो ये हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास ओके okay, नेक्स्ट वीडियो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू एवरी वन